अभीरा अरमान और रूही की ये कहानी तो खोल रही है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट, क्योंकि यहाँ तो है हमारे लिए नॉन स्टॉप ड्रामा। अब देखिए, एक ट्विस्ट होता है ख़त्म तो दूसरा रहता है तैयार। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको फटाफट ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। जुड़ रहा है अरमान और अभीरा का किस्मत कनेक्शन। रोहित के सामने आई अरमान और अभीरा के शादी की सच्चाई। रूही को लगा जोर का झटका, लेकिन किस्मत का कनेक्शन इन्हें एक दूसरे के करीब ले ही आता है। दूसरी तरफ अरमान चाहता था कि ये शादी राज रहे, लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि उस होटल में जिस होटल में अभीरा और अरमान रुके हैं, वहीं पर रुके हैं रोहित और रूही। ऐसे में रूही की मुलाकात होती है अरमान से, जो ये शादी का सच जानकर शॉक में है। तो उसी समय पहुंच जाता है रोहित। भाई अपने भाई की शादी देखकर रोहित काफी एक्साइटेड है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। भैया, आपने शादी कर ली? अपने म्यूट मोड से बाहर आइए और बताइए हाँ या ना। मैं भी कुछ हाँ, मैंने शादी कर ली, क्योंकि वाह भैया वाह भैया, आप इसलिए मेरी शादी में नहीं आए थे? वाह भैया, व्हाट अ सरप्राइज, वाह भैया वाह। भैया क्या बात कर रहे हो? मैं क्या करूं, ये कमीनी खुशी मुझे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाई की शादी हो गई। लेकिन एक बात का दुख है भैया, मैंने इतने सपने देखे थे कि हम शादी से पहले डबल डेट पर जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। भाभी जी नमस्ते। भाभी, मैं आपका फेवरेट, आपका बेस्ट देवर। वैसे तो आपके दो और इडियट देवर घर पे भी हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये तो एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी का मेट। रूही, टेक केयर योर भाभी है इलेवन से। आप दोनों की आई टू आई कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं? देखिए, पहले तो शॉकिंग था, बट उसके बाद क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, उसकी शादी हुई है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो सेलिब्रेटिंग ही है। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि मेरे भैया की शादी हुई है, तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। भैया को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि घर पे कैसे फेस करेंगे, लेकिन मैं था कि ठीक है, देखा जाएगा ना, जो भी होगा हम साथ में मिलके फेस करेंगे, तो वैसा फीलिंग थी। तो भाई अब चारों एक जगह हैं और राज चारों के बीच है, लेकिन रोहित जिद पकड़ के बैठा है कि अब वो अरमान और अभीरा को घर ले जाएगा, यानी कि घर जाने के बाद होगा बवाल। ओ वेलकम, तो आप भी जानते हैं कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि बिना बताए शादी हुई है और घर के बड़े बेटे की हुई है, और उस लड़की से हुई है जिसे थोड़ा सा इतना अप्रिशिएट नहीं करती मेरी फैमिली। तो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड कि घर पे कैसा रिएक्शन होगा, बट जो भी होगा दोनों भाई मिलके संभालेंगे। तो भाई अब देखना होगा अरमान और अभीरा की शादी से घर में कौन कौन से नए तमाशे होते हैं। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।